गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस बाल बाल बच गई है दुर्घटनाग्रस्त होने से। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है मोकामा से। पटना के मोकामा में राजधानी एक्सप्रेस यानी कि गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस बाल बाल बच गई है दुर्घटनाग्रस्त होने से। खबर मिल रही है कि मोकामा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रैक में दरार था, ट्रैक में क्रैक था, लेकिन चौकसी की वजह से इस हादसे को टाल दिया गया। तमाम जो जिम्मेदार लोग थे उनकी चौकसी की वजह से इस हादसे को टाल दिया गया और इस उहापोह में मोकामा स्टेशन पर 45 मिनट तक गुवाहाटी राजधानी खड़ी रही। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पटना के मोकामा से, जहां गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बाल बाल बची है दुर्घटनाग्रस्त होने से। और तमाम जो लोग थे, रेलवे के अधिकारी थे और जिम्मेदार जो तकनीकी कर्मी थे, उनकी सुरक्षा और चौकसी की वजह से बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया है। गुवाहाटी से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस मोकामा में दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी और जो इसका वजह था, और इसकी वजह यह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 का जो ट्रैक था उसमें क्रैक था, उसमें दरार था और एक चौकसी के साथ, होशियारी के साथ इस हादसे को टाल दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना के मोकामा से निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर बड़ा हादसा टाल दिया गया है रेल प्रशासन की चौकसी की वजह से पटना के मोकामा से। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई है। तमाम मुसाफिर सवार थे गुवाहाटी से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कभी भी किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन तमाम लोग, कुछ भी हो सकता था, यानी कि जब ट्रैक में दरार था तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद कुछ भी हो सकता था, कहना मुश्किल है। लेकिन उस बड़ी घटना को टाल दिया गया है, इस बड़े हादसे को टाल दिया गया है रेलवे प्रशासन की चौकसी की वजह से। एक बार हम फिर आपको बता दें कि दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो ट्रैक था उसमें दरार थी, इसी वजह से इस हादसे को टालने में सफलता मिली, हालांकि पता कर लिया गया। और पीएन मिश्रा रेल एसपी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, एक तो बड़े हादसे को टाल दिया गया और दरअसल एक बार फिर से बताइए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था और उसे किस तरीके से टाला गया। देखिए, ये जो पूरी ट्रेन का जो ये मूवमेंट है जो थोड़ा इंटरप्ट हुआ, लगभग 45 मिनट्स गुवाहाटी राजधानी इंटरप्ट हुई और एक हादसा निश्चित रूप से टल गया, क्योंकि रेलवे ट्रैक फ्रैक्चर हो चुका था जी। और मुझे जहां तक जानकारी, मैं जो अपडेट दे रहा हूं आपको, ये है कि कुछ लड़के जो वहां आसपास में शौच के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने उससे पहले उस ट्रैक से एक ट्रेन को गुजरते हुए काफी आवाज सुनी थी जी। और उसके बाद उन लोगों ने सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ करके ट्रेन को रुकवा दिया बिल्कुल। और इस तरह से ट्रैक तक पहुंचने के पहले ही, जहां टूटा हुआ था, ये ट्रेन रुक गई और राजधानी एक दुर्घटना से ग्रस्त होने से बच गई जी। तुरंत जीआरपी ने पूरे एरिया को कवर किया और हम लोगों ने उन लड़कों को भी खोज लिया है, वो तीनों भाई हैं। हम लोग राज्य पुलिस की ओर से उनको रिवार्ड भी करेंगे, रेल पुलिस की ओर से भी उनको रिवार्ड करने की कोशिश करेंगे, रेलवे की ओर से भी उन्हें रिवार्ड दिलाएंगे बिल्कुल। ये हम लोगों ने एक अभियान चला रखा था कि अपने इर्द गिर्द के 300 मीटर के लोगों को जानिए और उसी की यह सफलता है कि आज चौखटी से उन्होंने यह सूचना दी और राजधानी गुवाहाटी राजधानी को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सका। बिल्कुल 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 मिश्रा जी, तो एक बड़े हादसे को टाल दिया गया, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चौकसी कामयाब रही। तो जीआरपी की भी अहम भूमिका है इस हादसे को टालने में। जीआरपी ने इस हादसे को टालने में कितनी भूमिका निभाई है? देखिए, जैसे ही घटना की रुकने की सूचना मिली, जीआरपी के हमारे अधिकारी पूरे फोर्स के साथ में ट्रेन के दोनों तरफ में खड़े होकर के लोगों की सुरक्षा का इंतजाम किए और करीब 45 मिनट, नॉर्मली वहां स्टेशन जो है वो राजधानी रुकने का नहीं है, स्टॉपेज नहीं है, लेकिन उन लोगों ने पूरी चौकसी बरती और स्थिति को नियंत्रण में रखा। बिल्कुल, किसी बिल्कुल प्रकार का कोई घटना दुर्घटना नहीं जी, हुई बिल्कुल, एक हादसा टल गया जी बिल्कुल। पीएन मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे। दरअसल ये पूरी चौकसी उस वक्त काम आई जब कुछ लड़कों ने देखा था ट्रेन को गुजरते हुए भारी आवाज के साथ, तो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़कर उन्होंने सूचित किया और उन लड़कों के बारे में जानकारी भी, जो रेल एसपी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन लड़कों के बारे में पता लगा लिया गया है, उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा और जाहिर सी बात है कि उनको सम्मान मिलना भी चाहिए, क्योंकि उनकी पहल के बाद
इस तरह की घटना को टाला जा सका है। हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर गुवाहाटी राजधानी उस टूटे हुए ट्रैक पर यानी कि क्रैक जो ट्रैक था जिसमें दरार थी अगर उसको क्रॉस करती तो बड़ा हादसा हो सकता था। चौकसी के साथ ट्रेन को वहां रुकवाया गया मोकामा में, जबकि वहां उसका स्टॉपेज नहीं था। गुवाहाटी राजधानी वहां तकरीबन 45 मिनट खड़ी रही। तमाम जो रेल के अधिकारी थे, जीआरपी की पुलिस थी और सभी ने वहां पूरा कोऑपरेट किया, पूरा सहयोग किया और उसके बाद महज 45 मिनट की देरी के बाद गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया और एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। हालांकि बड़ी खबर इस वक्त पटना के मोकामा से मिल रही है, जहां गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई।